हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 2018 से भर्ती शुरू होती है। 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आता है, उसमें एक सबसे बड़ी विसंगति हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हैं या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो साथी हैं या लद्दाख के जो साथी हैं जिनको हाइट में छूट दी गई या चेस्ट में छूट दी गई, उन कैंडिडेट्स को एक बहुत बड़ी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है कि उनको एज रिलैक्सेशन उन्होंने नहीं लिया, उसके बावजूद भी उनको जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। उन पर कौन सा क्लॉज लगाया जाता है? उन पर एक क्लॉज लगाया जाता है कि आपने हाइट में छूट लिया है या आपने चेस्ट में छूट लिया है, इसलिए आपको जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता, आपको रिजर्व कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। अब असम के, नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर, मिजोरम के स्टेट्स जितना भी है, नॉर्थ ईस्ट का जो सेवन सिस्टर्स जो है स्टेट्स, उनके साथ में ये प्रॉब्लम है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जिसमें पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र को छूट दी जाती है, या लद्दाख की बात करें, या गढ़वाली, कुमाऊनी जो मराठा हैं हमारे साथी, उनकी हम बात करें कि जिनको हाइट में छूट दी गई है। क्योंकि ये कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती है ये स्टेट वाइज होती है। अब स्टेट वाइज होती है, जब वैकेंसी आसाम के लिए है तो उसमें URSC ST OBC में हाइट एज रिलैक्सेशन, जो चेस्ट रिलैक्सेशन है, उसकी बात कैसे लागू की जा रही है, ये बात हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उनके साथ साथ हमें खुद को ये बात नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों हुआ है। अब इसके लिए हमारे साथी जो हैं वो 21 जनवरी से अभी तक फाइट कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने चिट्ठी लिखा, माननीय गृह मंत्री जी को पर्सनली चिट्ठी भेजा है, ईमेल उन्होंने किए हैं, यहाँ तक कि माननीय हाईकोर्ट्स में भी उन्होंने रिट याचिकाएं दाखिल कर दी हैं, लेकिन उसमें भी कुछ समय लग रहा है। वो रिट पिटिशंस जो हैं वो सुनवाई में अभी तक नहीं आ पाई हैं पूरी तरीके से। इस पॉइंट को जब हमने डिस्कस किया, दिल्ली के एडवोकेट से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी हमें यही बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। जब वैकेंसी स्टेट वाइज है, यदि वैकेंसी ऑल इंडिया होती है, सपोज करें कि CAPF सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं हम, उसमें वैकेंसी ऑल इंडिया होती है, या BSF ट्रेड्समैन की हम बात करते हैं, BSF ट्रेड्समैन में वैकेंसी स्टेट वाइज होती है, या CRPF पैरामेडिकल स्टाफ में वैकेंसी ऑल इंडिया है, तो जब ऑल इंडिया वैकेंसी है उसमें ये आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की कैंडिडेट को आप छूट दे रहे हैं, तो छूट तो सभी को दी जा रही है। UR 165 पर भर्ती किया जा रहा है, लेकिन OBC 165 पर भर्ती नहीं किया जा रहा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब हाइट कितना होना चाहिए वो आपको दिखाते हैं। हाइट फॉर जनरल SC एंड OBC एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, 170 हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 157 हाइट होना चाहिए। अब इसमें आसाम, नॉर्थ ईस्ट, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो यहाँ पर 170, उनका पुलिस में 170 हुआ था, 170.5 हुआ था पुलिस की भर्ती में, लेकिन SSC की भर्ती में उनका 169.5 कर दिया, और इस वजह से वो मेरिट के मार्क्स उनके UR कैटेगरी से ज़्यादा हैं, लेकिन वो OBC हैं या SC है, ST है, उस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हुए। इस बात को पचा नहीं पा रहे हो, और बिल्कुल देखिए ये समझ आने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्यों किया है। और जब जो मेल भेजे, जो कार्यालय को लेटर भेजा, SSC को रिप्रेजेंटेशंस दिया, उनमें इस पॉइंट को कहीं डिस्कस नहीं किया जा रहा है। जो रिप्लाई आ रहे हैं उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी कैटेगरी में आपको इतना मार्क्स मिला है और इतना कट ऑफ जो है वो आपकी कैटेगरी में रहा है, क्योंकि आपके लेस मार्क्स हैं इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब जो छूट दी गई है वो किन किन आधार पर दी गई है, देखिए। अब ST जितना भी है, मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, ST जितना भी है उसके लिए 162.5 हाइट होता है। तो ST, तो हमने BSF ट्रेड्समैन की भर्ती में भी देखा कि ST कैंडिडेट जो है वो 107, उसमें 167.5 हाइट है, और उससे डाउन रह जाता है तो वो UR कैटेगरी में नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी बात हम आपको दिखाते हैं, मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब्स, जितना भी ST है, कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितना भी है उनका ST, और नक्सल और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 160 है उनका, तो वो भी UR कैटेगरी में वहाँ पर नहीं जा सकता। लेकिन मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठा, अब डोगरा कहाँ है, डोगरा हमारे जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में भी हैंगे, या गढ़वाली, कुमाऊनीज कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो इनको 165 हाइट इनको किया गया है। अब 165 हाइट गढ़वाली है, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा जो है वो
165 हाइट है उनका, तो वो UR कैटेगरी में नहीं जा सकते, वो अपना संबंधित कैटेगरी जो है उसमें ही भर्ती होंगे। लेकिन यहां पर एक बात कही गई है, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर विल बी 165 हाइट। आसाम की वैकेंसी की हम बात करें, अब आसाम की वैकेंसी जो है उसमें 165 हाइट, UR कैंडिडेट 165 पर भर्ती हो गया। हम हिमाचल की भी बात करें, UR कैंडिडेट 165 पर भर्ती हो गया, लेकिन जो SC ST और OBC जो है वो 165 पर भर्ती नहीं हो रहे हैं। उनके लिए ये 170 वाला नियम लगाया जा रहा है कि वो 170 पर तभी भर्ती, वो UR कैटेगरी में वो तभी जा सकते हैं जब 170 है। ये कौन सा रिजर्वेशन पॉलिसी है ये नहीं समझ आ रहा है, ये किसी को नहीं समझ आ रहा है ये, और ये क्यों हुआ है। इसके लिए माननीय तेलंगाना हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन जो फाइनल स्टेज में आने वाली है, लेकिन SSC की तरफ से उसमें इंस्ट्रक्शंस की बात करके उसमें समय लिया जा रहा है। और जी किशन रेड्डी जो हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे भी तेलंगाना स्टेट के कुछ कैंडिडेट जो है पर्सनली उन्होंने मुलाकात की, और उन कैंडिडेट्स ने हमसे बात भी की। यहाँ तक कि मैं उन कैंडिडेट्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भी बुलाया वहाँ पर कि हम माननीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी से हम मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ में आइए और उनको हमारी बात जो है आप अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन मैं समय अभाव की वजह से मैं नहीं जा पाया, हालांकि हमने उनको पूरा सपोर्ट किया किस तरीके से क्या बात समझानी है, और माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने भी उनको आश्वस्त किया है कि इसको हम दिखवा रहे हैं ये मैटर जो है इसको। लेकिन अब ये सॉर्ट आउट कैसे होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग हो चुकी है ऑलरेडी, जितना वैकेंसी था उसको फिल करके ज्वाइनिंग किया जा चुका है, लेकिन ये सॉर्ट आउट तो होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको क्यों ज़रूरी है, अब इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो है मार्क्स आपको दिखा देते हैं। ये आसाम का जो रिजल्ट शीट है, आसाम का रिजल्ट शीट BSF में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो UR पर कितने में भर्ती हुआ है, 45.58708 पे भर्ती हुआ है, जबकि UR ST और SC का जो है वो उससे ज़्यादा रहा है। जबकि ये ऐसा कभी होता नहीं है साधारणतया कि ये कैटेगरी जो है UR की कट ऑफ SC ST OBC से कम रहती, कम रह सकती है, लेकिन वो किस स्थिति में, राजस्थान में भी ऐसा हुआ है कि OBC की कट ऑफ UR का कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन उसमें वो कैंडिडेट्स हैं जो हाइट सॉरी एज में रिलैक्सेशन उन्होंने ले लिया, इस वजह से वो UR में नहीं जा सकते। लेकिन आसाम नॉर्थ ईस्ट और जो हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें ऐसा हुआ है कि एक कैंडिडेट जो 21 साल का है, दो दोस्त हैं, ये दोनों ही 21 के हैं, ये UR हैं, इनका हाइट 165 सेंटीमीटर है, और ये OBC हैं, इनका भी हाइट 166 सेंटीमीटर है। अब मार्क्स की जब बात आई सिलेक्शन की, तो ये कैंडिडेट जो हैं ये भर्ती हो गए कि इनका तो 45 ही नंबर है इसलिए ये भर्ती हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाइट में छूट ले लिया इसलिए ये 50 होते हुए भी भर्ती नहीं हुए, या चेस्ट में छूट ले लिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो नहीं समझ आ रहा, किसी को नहीं समझ आ रहा है ये कि ये क्यों हुआ है ऐसा। चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, चेस्ट में रिलैक्सेशन, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनका चेस्ट 80 से 85 है, तो वो जनरल SC एंड OBC, इसके बाद में जितना भी रिलैक्सेशन वाला है उनको UR कैटेगरी जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। अब हमारे कुछ साथी जो हैं वो अभी भी उन्होंने मेल किया, और एक कैंडिडेट आसाम के जो हमारे साथी हैं उन्होंने हमें बताया कि इस पर वीडियो बनाएं आप, और मेल कैसे उन्होंने किया है वो उन्होंने हमें पूरा मेल लिख के उन्होंने भेजा है, हमारे कमेंट बॉक्स में हम आपको दिखाते हैं कि वो मेल, ये मेल आप देख सकते हैं, ये फौजी असम के नाम से मेल है, टू द ऑनरेबल चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 1-2 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज NIA एंड SSF एंड असम राइफलमैन GD इन असम राइफल 2018 ऑन द बेसिस ऑफ माई मेरिट पोजिशन। सर आई हैव ऑनर टू स्टेट दैट आई एम बींग क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स इन, ये पूरा लिखा है इन्होंने। ये मेल आपको हमारा जो जिस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो साथी जिनके साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उनको फाइट इसके लिए करना चाहिए। फाइट करने के लिए देखिए आप यूनाइट कीजिए पहले अपने आप को, अपने ग्रुप्स बनाइए, अपने दोस्तों को जोड़िए उसमें,
क्योंकि एक अकेला कैंडिडेट नहीं फाइट कर पाएगा। जो हमारे तेलंगाना के जो साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी बात माननीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की और उनके तक वो उन तक वो पहुंचे भी हैं और उन तक अपनी बात उन्होंने एस्टेब्लिश करने की पूरा प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने जो माननीय तेलंगाना हाईकोर्ट में जो उनका मैटर है वो भी अभी फाइनल स्टेज में आने वाला है, उसमें कुछ नेक्स्ट हियरिंग जो होगा उसमें हो सकता है कि उस पर आर्ग्यूमेंट्स उस पर हो जाएं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है ये बिल्कुल जिस दिन आपका रिजल्ट निकला था उस दिन से ये हमें समझ आ गई थी कि ये निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर का गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रॉब्लम हो कि आपने एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया है। पूरे स्टेट के लिए वैकेंसी है, वैकेंसी ऑल इंडिया नहीं है, वो वैकेंसीज रिजर्व हैं स्टेट वाइज, और उसके बाद भी ये सब लागू किया जा रहा है कि 170 हाइट वाला जो कैंडिडेट है वो ही ओबीसी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में शामिल हो सकता है। जब आप ओबीसी यूआर में 165 वाले को भर्ती कर रहे हैं लेकिन ओबीसी कैंडिडेट को 169.5 में भी आप इस आधार पर भर्ती नहीं कर रहे कि ये यूआर में नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने रिलैक्सेशन ले लिया। रिलैक्सेशन ले लिया तो पूरे स्टेट के लिए रिलैक्सेशन की बात क्यों कही जा रही है, पूरे आसाम के लिए रिलैक्सेशन की बात क्यों कही जा रही है? यदि रिलैक्सेशन की ही बात की जा रही है तो सिर्फ उसमें ये लिखा जाए कि आसाम में ओबीसी एससी एसटी या त्रिपुरा के ओबीसी एससी एसटी या तेलंगाना के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के एससी एसटी ओबीसी को 170 पर ही भर्ती किया जाएगा, उनको 165 पर भर्ती नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है और इस पॉइंट का माननीय उच्च न्यायालय में एसएससी सीआरपीएफ की तरफ से माननीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसमें क्या जवाब दिया जाता है उसको भी हम देखते हैं कि जो रिट पटिशन हमारी दाखिल हैं उनका क्या फैसला होता है। और हमें यकीन है कि इसमें फैसला जो है निश्चित रूप से आप लोगों के पक्ष में आएगा, लेकिन ये डिले होता है तो उससे ये डिले की जो प्रॉब्लम है उससे क्या होगा कि वैकेंसी तो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, अब इसका कैसे समाधान होगा। लेकिन हम देखते हैं कि देखिए जो भी फैसला आएगा वो बिल्कुल आप लोगों के हक में होगा और फैसला जो है वो भी माननीय उच्च न्यायालय जारी करता है तो उसके बाद सरकार को भी वो लागू करने होंगे। सरकार क्या जवाब देती है वो देखते हैं। तो दोस्तों हौसला रखना है, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपके साथी ऐसे भी थे जो रिटर्न में पास नहीं हुए या मेडिकल में अनफिट हो गए, आप लोग इस चरण तक आप पहुंचे हैं, फाइनल स्टेज पे आप आके अटक गए, तो आपको मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी। जय हिंद।